नमस्कार, मैं हूं नई दिल्ली के जंतर मंतर। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर बिहार से जो है नेशनल किसान मोर्चा के कोऑर्डिनेटर जी जुड़ चुके हैं, राजकुमार शर्मा जी। सर, जिस प्रकार से आपने बैनर पे लिखा हुआ है बिहार कांग्रेस बचाओ, क्या बिहार कांग्रेस बचाओ, आप तो खुद ही हाँ बिल्कुल सही है। आज 20 अक्टूबर 2024 जंतर मंतर से आपके माध्यम से हम लोग यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं और आपके माध्यम से अपने आला कमान आदरणीय सोनिया जी और माननीय राहुल गांधी जी से, खास करके आदरणीय माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब से हम लोग अनुरोध करने आए हैं कि बिहार का जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह हैं, जिनके ऊपर अनेकों प्रकार का आरोप लग चुका है, पद बेचने का, टेलीगेट बेचने का, टिकट बेचने का, यहाँ तक कि जमीन और कार्यालय बेचने का, और दर्जनों कार्यकर्ताओं को, सीनियर नेताओं को जो है पार्टी से बाहर निष्कासित करने का आए दिन इस तरह का कारनामा होता रहता है। कभी भी कोई भी बड़ा जन आंदोलन कार्यक्रम बिहार में नहीं हो रहा है, जबकि बिहार में कांग्रेस की बहुत बड़ी संभावना है। वहाँ जो है जिस तरह से हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने पूरे हिंदुस्तान में पद यात्रा के माध्यम से कांग्रेस को मजबूत करने का काम, आम लोगों में अलख जगाने का काम किया है, बिहार में भी यदि आंदोलनकारियों का, क्रांतिकारियों का सेकेंड लाइन का यदि एक टीम दे दिया जाए बिहार में, हर एक जाति से मिला करके, हर एक धर्म से मिला करके, वैसे समर्पित कांग्रेसी जो 30 साल से 20 साल से जो पार्टी के संगठन का अनुभव रखते हैं, कार्यक्रम का उनके पास अनुभव है, ऐसा यदि बना करके बिहार में दे दिया जाए समर्पित कांग्रेसियों का एक टीम, तो मैं पूरी दावा के साथ आपके माध्यम से मैं आलाकमान से आग्रह कर रहा हूं कि बिहार में आने वाला 2025 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता में लौट जाएगी। आम जनता आज भी कांग्रेस को वहां विकल्प के रूप में देखना चाहती है। अब जरूरत है कि हम उन किसान गरीब मजदूरों के बीच जाएं, खेत खलियान में जाएं। आदरणीय राहुल गांधी जी का मोहब्बत की दुकान को हम हर चौक चौराहे पर जो है लगाने का काम करें, और जो हमारी कांग्रेस की नीतियां रही है, हमारी पार्टी ने जो वर्षों से जो समाज के लिए किया है हर सेक्टर में, आज बिहार को जरूरत है आर्थिक आजादी की। आज वहां बंद पड़े कल कारखाने को चालू करवाने की जरूरत है। वहां के यूनिवर्सिटी में स्कूल कॉलेजों से जो शिक्षा बाहर चली गई है उसको वापस लाने की जरूरत है। आज वहां जो 17 जिला हमारा उत्तरी बिहार का बाढ़ से डूबा हुआ रहता है, वहां बाढ़ का स्थायी समाधान की जरूरत है। तो जो बिहार कभी एक नंबर का होता था विकास के पैमाने पर, वो आज बीमार राज्य, वो आज पिछड़ा हुआ राज्य क्यों बन गया है? तो इसका कारण क्या है कि वो जो आप कह रहे हैं जिस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष जो चीजें कर रहे हैं वो है इसका कारण? प्रदेश अध्यक्ष तो पार्टी को मजबूत करने का एक प्लेटफॉर्म है, जरिया है, संगठन का हेड होने के नाते किसी भी प्रदेश, बदलना फिर क्यों चाह रहे हैं? अब बदलना इसलिए चाहते हैं कि संगठन वहां मजबूत होगा, जब सेकेंड लाइन को वहां प्रोजेक्ट किया जाएगा, सेकेंड लाइन के टीम को, आंदोलनकारी टीम को, क्रांतिकारी टीम को लाया जाएगा, तो वहां संगठन कांग्रेस का मजबूत होगा। जब संगठन मजबूत होगा तो फिर हमारे लोग जो है विधानसभा में विधायक बनना शुरू हो जाएगा, लोकसभा में लोग हमारे जीतना शुरू हो जाएंगे, हमारी सरकार वहां बनेगी, हम जनता के साथ कमिटेड हैं, हम जनता के भले। जो जहां जो प्रदेश है वहां का अगर प्रदेश अध्यक्ष ही सही नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वहां की नींव खराब हो जाएगी। बिल्कुल, उससे संगठन पर बुरा प्रभाव पड़ता है, और जब संगठन हमारा कमजोर होगा तो फिर उस हालत में हमारा जो सपोर्टर और वोटर है वो कहीं ना कहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो इससे संगठन पर बुरा प्रभाव पड़ता है, और जब संगठन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा तो जो चुनाव है, चाहे वो आपका विधानसभा का हो या लोकसभा का चुनाव है, तो उसमें आप जो है कहीं ना कहीं लूज करेंगे। तो बिहार में हम लोग जैसे आदमी का चार चार बार टिकट बेच दिया जाता है, बताइए आपका भी, हाँ मेरा भी बेचा गया है, पद भेज दिया जाता है। तो जो समर्पित कांग्रेसी है यदि उसका आप टिकट, उसको आप नहीं दे करके
ऐसे लोगों को आप टिकट दे दोगे जो बाहर से आया है, जो कांग्रेस में पार्टी में नहीं रहा है, तो उसका प्रभाव, बुरा प्रभाव पड़ता है समर्पित कांग्रेस। कहाँ से हैं? कौन जो अभी प्रदेश अध्यक्ष है वो कहाँ से हैं? वो प्रदेश अध्यक्ष पहले थे वो राजद में, राजद से वो आए हैं। जी जी हाँ हाँ बोलिए बोलिए। तो वो राजद से आए हैं जो है कांग्रेस में। अच्छा, तो सर अभी अपनी जो 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 आपकी जो मांग है वो आप अभी यहाँ पे राहुल गांधी जी के समक्ष दिए हैं? हम लोग और बिहार के करीब सैकड़ों कांग्रेसी लोग जो है ईमेल से मिल कर करके जो हमारे आला कमान के मुख मुख लोग उनके हैं, जैसे तनिष्क जी हैं, माधवन जी हैं, प्रभारी हमारे मोहन प्रकाश जी हैं, वेणुगोपाल जी हैं, तो ऐसे लोगों से मिल कर करके बातों को जो है रखा गया है, दिया गया है। और आपके माध्यम से, इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ जो है आदरणीय हमारे आला कमान इसका निदान करें। आज आएंगे कोई ना कोई मिलने आप? जरूर 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 आएंगे। चूंकि इसका अभी तक तो संपर्क नहीं हुआ है, लेकिन हमको लगता है कि कोई ना कोई संपर्क हमसे करेंगे ताकि हम लोगों का जो मांग है, हम लोगों का जो समस्या है, उसका निदान ये लोग करेंगे।